8 जून 2022 को शिवालिक नगर स्थित अमन ज्वेलर्स की दुकान में 6 हथियारबंद बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े डकैती कर वादी मुकदमा प्रदीप कुमार वर्मा को घायल करते हुए उसकी दुकान से सोने चांदी के आभूषण लूट कर ले गए। डकैती के दौरान दुकानदार एवं उसके साथियों के प्रयास से एक अभियुक्त नितिन पुत्र राकेश निवासी हरिपुर थाना पुरकाजी मौके पर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। चूंकि घटना गंभीर प्रकृति की होने के कारण पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार द्वारा प्रकरण का गंभीरता से संज्ञान लिया गया एवं मुकदमे से संबंधित हमलावर बदमाशों एवं माल की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक अपराध एवं पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्र अधिकारी सदर को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया। उच्च अधिकारियों द्वारा जनपद हरिद्वार की CIU यूनिट एवं कोतवाली रानीपुर को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एवं माल की बरामदगी हेतु कड़े निर्देश दिए गए। चूंकि गिरफ्तार शुदा अभियुक्त नितिन द्वारा आधी अधूरी जानकारी पुलिस को दी गई थी, अधिकांश जानकारी छुपाए जाने का प्रयास किया गया था। पुलिस टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण CCTV फुटेज एवं भौतिक साक्ष्य का बारीकी से संकलन करते हुए प्रकाश में आए अभियुक्तों के बारे में आंकड़े जुटाए गए। जो ज्वेलर शॉप है उन सबको हम लोगों ने ये उनसे अनुरोध किया है कि अपने यहाँ CCTV से हर चीज़ को कवर रखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक लीड होता है और बदमाश के लिए भी ये एक डिटरेंट का काम करता है। उसको भी पता होता है कि अगर मेरी फोटो आ रही है तो थोड़ा सा वो घबराता है। इसके अलावा शिवालिक नगर क्षेत्र के लिए हमने रानीपुर थाने में कुछ अन्य कॉन्स्टेबल्स की तैनाती की है, PAC की भी वहाँ पर हम लोग उपलब्धता के आधार पर, क्योंकि कई बार हमको इधर उधर PAC भेजनी पड़ती है, उसके आधार पर उसकी भी हम तैनाती कर रहे हैं ताकि वहाँ पर चौकसी और सतर्कता बढ़ाई जा सके। गार्ड वगैरह की व्यवस्था है सबके साथ? सॉरी, गार्ड तो हम लोग जो ज्वेलर शॉप है उनसे अनुरोध करते ही हैं कि गार्ड्स अपने शॉप्स में रखें, लेकिन जो बहुत बड़े शोरूम होते हैं वो तो रख लेते हैं, लेकिन जो तुलनात्मक रूप में मध्यम व्यापारी होते हैं उनके लिए रखना संभव नहीं हो पाता है। तो जितनी भी हमारे पास पुलिस है उससे हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों का एक सुरक्षा का भाव पैदा किया जाए। सर, कितने समय से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं? ये लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि स्थायी रूप से यहाँ पर ही रहते हैं, बाकी अपने गांव में रहते हैं, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। सर, इससे पहले भी कोई घटना इन्होंने की है? मैंने आपको बताया ना कि मोटरसाइकिल चोरी का इनसे पकड़ा गया है और इनसे 8 मोटरसाइकिलें बरामद की।